अस्सलाम वालेकुम जी। नारान कागान जाने वाला रास्ता इस टाइम बंद हो चुका है क्योंकि मांडरी के करीब जो पुल था वो सैलाबी रेले की वजह से पुल बह चुका है। इसमें बहुत से जो हमारे सयाह या पंजाब से या जहाँ से भी गए हुए थे वो फंस चुके थे, जिसकी वजह से वहाँ पे जितने नारान के होटल मालकान थे उन्होंने ये कहा है कि जो लोग अपने अपने होटल्स में रह रहे हैं उनसे कोई भी बिल नहीं लिया जाएगा, और दूसरा जो खाना खाएंगे उनको 50% डिस्काउंट पे खाना मिलेगा। यहाँ तक कि जो लाइन में इस टाइम ट्रैफिक में खड़े हैं उन लोगों के लिए स्पेशल जो होटल मालकान थे उन्होंने देगों का बंदोबस्त किया, उनको खाना दिया जाएगा गाड़ियों में, और साथ अपने अपने होटल्स को उन्होंने खोल दिए। जो रास्ते में जितने होटल्स आ रहे थे उसमें वो मुसाफिर आराम भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ वॉशरूम किचन हर चीज यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कुछ सयाह वहां पे खड़े और वो खुद भी इन लोगों की तारीफ कर रहे हैं। ये हमारे पठान और हजारावाल का कल्चर है कि ये लोग होते हैं मेहमान नवाज, इनको कहते हैं मेहमान नवाजी। इस कल्चर को कायम दायम रखने के लिए नारान के और कागान वैली के जितने लोग थे उन्होंने पंजाब के लोगों को जितने भी सयाह जहाँ जहाँ से भी आए हुए थे उनका दिल जीत लिया और उन्होंने इनको खूब दुआएं भी दी। जो इस टाइम नारान जाने की तैयारी कर रहे हैं तो उनसे गुजारिश है कि फिलहाल जब तक मानसून की बारिशें ख़त्म नहीं हो जाती ये लोग ना जाएं, क्योंकि एक तो लैंड स्लाइडिंग बहुत ज़्यादा होती है और पुल गिरने की वजह से वहाँ का रोड भी ब्लॉक हो चुका है। तो ये महीना रुक जाए, अगस्त के एंड में वो नारान कागान की तरफ जा सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे और आप यकीन मानिए बड़े सुंदर दिल लोग हैं, तो हम तो बड़ी थकावट से मुल्तान से चल के आए थे और यहाँ पे यकीन मानिए सारी थकावट दूर हो गई है और हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा जो है ना लोगों ने दरिया का व्यू भी देखते हैं साथ साथ। हमारे जो जैसे सोचा हुआ था ना कि पत्नी वहाँ पर जाएंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ पूरी टूटने के बाद ही ये बात कहना, लेकिन उसके बाद भी जो है ना यकीन माने दिल खुश हो गया।